जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जूम ऑप्शन बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से जूम ऑप्शन का यूज कर सकते हो। देखिए, जूम की बात करें तो जो आपकी सीट है, आप अपनी सीट को क्या करना चाहते हो? जूम करना चाहते हो, तो आप किस टाइप से अपनी सीट को जूम कर सकते हो? आप जूम करना चाहते हो एक परसेंटेज बेसिस, तो आप परसेंटेज बेसिस जूम कर सकते हो, या वहां पर पहले से आपको जूम दिए होते हैं, आपको 100% पर जूम करना है, 75% पर जूम करना है, 200% पर जूम करना है, तो आप उस टाइप से जूम कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो मिनिमम जूमिंग होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम जूमिंग होती है वो कितनी होती है। जैसे कभी कभार क्या होता है, हमें लगते तो छोटे से कंटेंट है कि हमें पता चला कि जूमिंग क्या है, सिंपल जूम करने के लिए यूज होता है, इसमें क्या करना है, सिर्फ सीट को जूम करना है। लेकिन जब हम किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो वहां पर हमें इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन ही कर लिए जाते हैं जो इसको हमें पता ही नहीं होते हैं कि आपसे पूछ रहे मिनिमम जूमिंग इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर मिनिमम जूमिंग कितनी होती है, मैक्सिमम जूमिंग इन एक्सेल, मैक्सिमम की जूमिंग कितनी होती है, या आप अपनी सीट को कितना मिनिमम जूम कर सकते हो, मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो। क्लियर? या फिर आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आपने अपनी सीट के अंदर क्या कर रखा है, कुछ डेटा सेलेक्ट किया हुआ है और आप उसी डेटा को क्या करना चाहते हो, जूम करना चाहते हो, तो आप सिलेक्शन फॉर्म जूमिंग का यूजेस करेंगे। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट, आपको जूमिंग का ऑप्शन बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से अपनी सीट को जूम कर सकते हो, आप मिनिमम जूमिंग करेंगे तो मिनिमम जूमिंग कितनी होती है, मैक्सिमम जूमिंग आपकी कितनी होती है। मैं एलके शर्मा जी, वेलकम टू एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। देखिए, जूम की बात करें तो आपको नाम से पता चला है क्या करना, जूम करना। अब इसके अंदर जूम के लिए हम जाएंगे तो यहाँ पर जूम के कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे, कुछ डिफॉल्ट ऑप्शन भी मिलेंगे कि आप किस टाइप से अपनी सीट को, अपने वर्क स्पेस को क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो। जो आपका वर्क एरिया है आप उसको जूम करना चाहते हो तो किस टाइप से आप जूम का यूजेस कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पर जूम पर आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जूम पर आऊंगा तो देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट आपको जूमिंग दी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ 200%, ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे तो जो आपकी सीट है वो क्या होगी, आपकी 200% पर जूमिंग हो चुकी है। क्लियर? वापस मैं यहाँ पर जूम पर जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, मैं 100% क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 100%, तो आप देखेंगे तो मेरा क्या हो गया, 100%। फिर से जूम पर आता हूँ, 75% पर करना है तो 75। तो यहाँ पर ये जूम के ऑप्शन दे रखे हैं, जिस परसेंटेज पर आप क्लिक करेंगे उसी पर आप क्या कर सकते हो, अपनी सीट को जूम कर सकते हो। क्लियर? अब इसमें जो दे रखे हैं वो तो है डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट दे रखे हैं। अब इससे भी कम ज्यादा में जूमिंग करना है, जैसे इसमें दे रखा है 200, 175, 50, 25, लेकिन मुझे इससे कम करना है, इससे ज्यादा करना है, या मुझे 75 नहीं, मुझे 60% करना है, या मुझे 45% करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा क्या, कस्टम। यहाँ पे हम कस्टम पर आएंगे और कस्टम पर आने के बाद यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज के अंदर क्या है, जो भी आप परसेंटेज यहाँ पर देंगे उसी परसेंटेज के बेसिस जूम करेगा। जैसे एक एग्जांपल मान चले मुझे कितने परसेंटेज पर जूम करना है, 60% पर, ओके कर दूंगा तो आपकी जो सीट है वो 60% पर जूम हो चुकी है। वापस जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि मुझे 85 पर जूम करना है, ओके करूंगा तो किस पर हुआ, 85 पर। क्लियर? इस टाइप से एक ऑप्शन होता है क्या, फिट सिलेक्शन। देखिए, फिट सिलेक्शन की बात करूं तो जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्शन दिया और यहाँ पे मैं फिट सिलेक्शन कर देता हूँ, ओके करूंगा तो क्या है, जो मैंने सिलेक्शन दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या है, ये जूमिंग फिट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। जो डिफॉल्ट जूमिंग होता है वो हमारा कितना होता है, 100% होता है। हम 100% पर जूमिंग कर देंगे तो हमारा डिफॉल्ट 100% रहेगा, जो हम यहाँ से भी 100% जूमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा जूम टू सिलेक्शन। देखिए, आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और मुझे क्या करना है, सिर्फ इसी एरिया को जूम करना है, तो जूम टू सिलेक्शन का यूजेस करेंगे तो जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी को क्या करेगा, ये जूम करेगा, ठीक है, उसी एरिया के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से आप जूम टू सिलेक्शन, या मैंने बात करा फिट सिलेक्शन का यूजेस है, वो सेम आपके वर्क करते हैं। वापस आप 100% पर कर दीजिए तो आपकी सीट 100% पर जूम हो जाएगी। क्लियर? तो ये ऑप्शन होते हैं आपके जूम के। अब देखिए, जूम की बात करें तो जो हमारी मिनिमम जूमिंग होती है वो कितनी होती है। यस, बोलिए।
कितनी जूमिंग होती है हमारी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है? देखिए मैं बात करूं यहां पर, जो हमारी मिनिमम जूमिंग होती है वो मिनिमम जूमिंग होती है 10%। ओके देखिए यहां पर मेरी जो सीट है वो कितनी पर जूमिंग आ गई? 10% पर। क्लियर? मैं यहां पर जाता हूं वापस और यहां से मैं 10 से कम करता हूं, 9। ओके करूंगा तो देखिए 9% पर जूमिंग नहीं हुई। तो मिनिमम जूमिंग होती है इसके अंदर कितनी? 10%। और जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो इसके अंदर होती है 400%। मैं यहाँ पर मैक्सिमम कितना रहता हूँ? कितना? 400। ओके कर दूंगा तो देखिए आपकी 400% जूमिंग हो चुकी है। मैं यहाँ से 400% से ऊपर करता हूँ, जैसे मैंने 401 किया, ओके किया, आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या करा, द नंबर मोस्ट बिटवीन 10 to 400। मतलब आप 10 और 400 के बीच में आप क्या कर सकते हो? जूमिंग कर सकते हो, न 10 से काम कर सकते ना ही 400 से ऊपर कर सकते हो। क्लियर? वैसे जो नॉर्मल जूमिंग होती है वो 100 होती है। ओके जूमिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से नीचे से देखेंगे तो जैसे 10% और मैक्सिमम हमारी 400%। नॉर्मल हम यहाँ पर वापस 100% पे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हुआ हमारा किसका? जूम का। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया जूम ऑप्शन, कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से अपनी सीट को जूम करना चाहते हो तो आप जूम कर सकते हो। इसके अंदर डिफॉल्ट जूमिंग होता है आपका 100%। आप 75% जूम करना चाहते हो, 200% जूम करना चाहते हो तो आप किस टाइप से जूम कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि आपको मिनिमम जूमिंग कितनी होती है। देखिए मिनिमम जूमिंग की बात करें तो आपकी 10% मिनिमम जूमिंग होती है, आप 10 से कम जूमिंग कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम जूमिंग आपकी 100% होती है, 100% से ज्यादा जूमिंग नहीं कर सकते। और यही हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, हम किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो वहां पर हमें पूछ लिया भी जाता है कि आपकी मिनिमम जूमिंग कितनी होती है, मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है, लेकिन यही क्वेश्चन हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं, हमें नहीं याद होता। हम पूरा भर तो पूरा कंप्लीट आता है हमें एक्सेल के अंदर, लेकिन इंटरव्यू के अंदर इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन किए जाते हैं, हम उसी से क्या है बाहर हो जाते हैं। क्लियर? साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सीट पर आपने वर्क किया हुआ है और आप सिर्फ उसी डेटा को जूम करना चाहते हो तो फिर आप क्या है वर्क फ्रॉम सिलेक्शन का आप कैसे यूजेस कर सकते हो। जितना आपने वर्क किया है या आपने जितना सिलेक्शन किया है आप उसी को जूम करना चाहते हो तो आप सिलेक्शन जूमिंग का कैसे यूजेस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।